प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी का जन्मदिन पर यूपी भाजपा की तैयारी, सीएम योगी नमो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। फरुखाबाद में मैकेनिक को गोली मारकर हत्या, भट्टे के पास मिला शव, पास में पड़ी थी बाइक। गाजियाबाद में रिक्शा चालक की हत्या, रिक्शा लूटने के विरोध पर चाकू मारा, लाश बोरी में डालकर फेंकी। सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी, प्रयागराज के म्योरा गांव चौराहे पर विवाद के बाद रिवॉल्वर और डंडे निकले। मुजफ्फरनगर में करंट लगने से किशोर की मौत, पशुओं के लिए चारा काटते समय मशीन से उतरा करंट। सब्जी पर टॉयलेट करके बेचने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार, बरेली में लोगों ने पीट कर पुलिस को सौंपा। सीतापुर में दो अवैध क्लिनिक संचालकों पर केस दर्ज, अवैध रूप से मरीजों का कर रहे थे इलाज। शाहजहांपुर में बाघ दिखने से दहशत, कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो, वन विभाग ने एहतियात बरतने की अपील। उन्नाव में स्क्रैप कारोबारी के घर में चोरी, नकदी और जेवर समेत 20 लाख का माल पार, नौकर ने दी मालिक को जानकारी। बदायूं में मादक पदार्थ के हुक्काबार संचालक को पुलिस ने किया अरेस्ट, 3 एचर्स को कस्ट लगवाता था। इटावा में बच्चे की मौत पर जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिजनौर में गंगा की कटान से परेशान क्षेत्रवासी, सिंचाई विभाग ने स्टड बनाने शुरू किए, चारे का भी खड़ा हो रहा संकट। प्रयागराज में नदी किनारे मिले 100 से अधिक मृत सुअर, वीडियो सामने आने के बाद जागा नगर निगम प्रशासन। हाथरस के पीएनबी में 15 घंटे तक चली रेड, नो ड्यूटीज देने के नाम पर शाखा प्रबंधन ने मांगी थी घूस। रिश्वत देते हुए पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल, 50,000 की डिमांड, 20,000 में छोड़ा 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कन्नौज में राशन लदे 3 ट्रक से सरकारी राशन के 1120 भीगे ट्रक के कागजात नहीं दिखा सके चालक। कुशीनगर में गन्ने के खेत के पास मिला शव, कुशीनगर में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को दी सूचना। जौनपुर में एमएलडी से अधिक सीवेज, करोड़ रुपए का जुर्माना, एनजीटी ने प्रदूषण पर उचित प्रबंध न करने पर जौनपुर पर कराया जुर्माना। पीलीभीत में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी पर झोंका फायर, लखीमपुर खीरी ने पीलीभीत गया था मिलने। जालौन में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए निकाली रैली, डीएम बोले कोई भी बच्चा दवा पीने से ना छूटने पाए।
फतेहपुर की किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म अपहरण कर लुधियाना ले गया फैक्ट्री मालिक। फरुखाबाद में डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, देर रात इटावा बरेली हाईवे पर हुआ हादसा, 3 घायल। हमीरपुर में छापेमारी में 150 टन सरकारी खाद्यान्न पकड़ा, 2 गोदामों को एसडीएम ने किया सील। मथुरा में व्यापारियों का प्रदर्शन, बांके बिहारी मंदिर की गलियों में डिवाइडर लगाने का किया विरोध। पत्नी के प्रेमी की मां भांजी को जिंदा जलाया, 2 लोगों के साथ प्रेमी के घर पहुंचा, पेट्रोल डालकर लगा दिया आग। लखीमपुर में युवती की पीट पीट कर हत्या, मां बोली दिनदहाड़े घर में घुसे 2 युवक, बेटी से रेप का किया प्रयास। सहारनपुर में दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे में बुझाई आग, 70 लाख का सामान जला। मिर्जापुर में 5वें दिन पेड़ से नीचे उतरा लालव्रत, गांव के मास्टर के समझाने पर नीचे उतरा, परिजन की पिटाई के डर से पेड़ पर चढ़ा था। आगरा में बारिश और प्रशासन की अनदेखी, शव को एक साथ 12 लोगों को देना पड़ा कंधा, शमशान का रास्ता बना दलदल। प्रयागराज में सपा ब्लॉक प्रमुख की फिर संपत्ति हुई कुर्क, बाहुबली अतीक का रिश्तेदार गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर जेल में है बंद। अलीगढ़ में पानी की सप्लाई ना होने पर नगर आयुक्त ने लगाए मुर्दाबाद किनारे, पिछले 5 दिनों से नहीं आ रहा पानी। अमेठी में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर धारदार हथियार से हमला, मौके पर पहुंचकर एएसपी और सीओ ने जुटाई जानकारी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठान का हुआ आयोजन, महंत राजू दास के नेतृत्व में दर्जनों संत ने किया यज्ञ। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, घायल अवस्था में जेएन मेडिकल में उपचार जारी। अमेठी में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गौरीगंज, सड़क के किनारे नहीं बनी नाली, जिसके चलते बारिश से सड़क बन रही लबालब। बिजनौर में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, शिविर का डीएम ने किया उद्घाटन। देवरिया में बायोमैग्नेटिक शरीर में हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का दावा, 300 लोग पूरी तरह से ठीक होने का किया गया दावा। गोरखपुर में पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। लखीमपुर खीरी में युवती की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम हाउस भारी पुलिस बल तैनात। हमीरपुर की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दिल्ली में किया गैंगरेप, 1.5 महीने बाद दिल्ली से बरामद 2 गिरफ्तार। वाराणसी में नमो घाट पर मना मोदी 72वां जन्मदिवस, नमामि गंगे ने केक काटकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाया 72वां जन्मदिन।
प्रतापगढ़ में लखीमपुर खीरी में दो बहनों के हुए हैवानियत पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाल कर किया विरोध। शाहजहांपुर के समीर खान ने संभाली ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की कमान, संगठन के मुखिया ने सौंपी जिम्मेदारी। सीतापुर के संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम ने सुनी जन समस्याएं, उचित जांच कर विविध निस्तारण करने का दिया निर्देश। गोंडा में करंट की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने जलभराव का किया निरीक्षण, अपर नगर आयुक्त को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कानपुर में हिस्ट्री सीटर लुटेरा सोनू घोसी बना पुलिस की आंख का तारा, आरोपी सोनू पुलिस की कार में सिगरेट पीते हुए ले रहा है सेल्फी। अवनीश अवस्थी बनाए गए मुख्यमंत्री के सलाहकार, मुख्यमंत्री ने अपने भरोसेमंद आईएएस पर फिर एक बार जताया भरोसा। कानपुर में दिन दहाड़े दबंगों ने युवक को पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, बाबूपुरवा के बेगमपुरवा इलाके की घटना। लखनऊ के नगर निगम में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने साप्ताहिक पखवाड़े की शुरुआत। कानपुर में बीएमडब्ल्यू में अचानक लगी भीषण आग, आग लगते ही मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर में नाले के तेज बहाव में बही छात्रा, स्थानीय लोग छात्रा की खोजबीन में जुटे, सूचना पर पुलिस व गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोड्डा में सामाजिक आधिकारिक शिविर का हुआ आयोजन, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांगजनों को दी गई ट्राई साइकिल। गोंडा में विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, रक्तदान शिविर में भाजपा के कार्यकर्ताओं हुए शामिल। गाजियाबाद में घर में मिली महिला की लाश, मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी में हुड़दंग, एलिवेटेड रोड पर हाथ में रखकर छोड़े स्काई शॉट, एक दूसरे पर फेंका केक। बिजली विभाग का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार, मुरादाबाद में एंटी करप्शन ने रंगे हाथ पकड़ा, बिजली कनेक्शन के लिए मांगे थे 15,000 रुपए। औरैया में यूटा पदाधिकारियों ने भरी हुंकार, सालों से लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने सीएम को भेजा ज्ञापन। हरदोई में कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम का जन्मदिन, रोजगार के लिए निकाला मार्च। गाजीपुर में एसपी ने दी थानेदार को हिदायत, अराजक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश, क्षेत्र में गश्त करने के आदेश। अलीगढ़ में बच्चे ने हैरतअंगेज तरीके से की चोरी की घटना, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, कोतवाली इगलास का पूरा मामला। बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की।
बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस ने पद से दिया इस्तीफा। सीएमएस डॉक्टर जेपी गुप्ता ने निदेशक को सौंपा अपना इस्तीफा। बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फल बेच कर दिया बेरोजगारी और महंगाई का संदेश। कांग्रेस ने पीएम के जन्मदिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाया। श्रावस्ती में बारिश बनी मुसीबत। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश से बढ़ा राप्ती का जलस्तर। मुरादाबाद में पीएम के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने तले पकौड़े। बोले सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा निभाओ मोदी जी। बाराबंकी में घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों को हो रही परेशानी। 24 घंटे में 233 एमएम हुई बारिश। बलिया में जगह जगह मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। मरीजों में बांटे गए फल। सफाई अभियान चलाकर मनाया जश्न। जालौन में पीएम के बर्थडे पर कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। सांसद बोले देश के हर दिल में पीएम मोदी बसते हैं। मुजफ्फरनगर में गोवंश की दुर्दशा पर चरथावल जाम। हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा। डीआरडीओ को सौंपी विरुद्ध तहरीर। बलिया में बिजली का पोल बना। स्कूली छात्रों के लिए पुलिया। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। हापुड़ में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। आटा चक्की पर करता था काम। परिजन बोले दोस्तों के साथ गया था। बलरामपुर में करंट की चपेट में 2 सगे भाइयों की मौत। लड़की लकड़ी का पोल उठाते समय हुआ हादसा। विधायक ने की मुआवजे की मांग। अमरोहा में भाजपाइयों ने चलाया स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर केक काटा। बोले सफाई अभियान हुआ सार्थक। महोबा में करंट से लाइनमैन की मौत। बफरेथा गौशाला में प्लॉट ठीक करते समय हुआ हादसा। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।